so hello friends. our topic for today is offer and acceptance under indian contract act 1872. so before going further, uh, i would like to tell you guys, i will use proposal and offer simultaneously throughout the video because both of these words are kind of synonymous to each other. Uh, so as defined under the Contract Act, offer or proposal is uh, defined under Section 2A as when one person will signify to another person his willingness to do or not do something with a view to obtain the assent of such person to such an act or abstinence, he is said to make a proposal or an offer. तो इन प्लेन लैंग्वेज अगर हम देखें तो जब भी एक इंसान दूसरे इंसान को किसी चीज़ को देने को ऑफर करता है या फिर जैसे मान लो कि मैंने ए से वा मतलब वादा किया या फिर मैंने आप एक कोई ऑफ़र किया कि आई एम गोइंग टू सेल माई प्रॉपर्टी इन लखनऊ टू बी एंड बी ने वो चीज़ एक्सेप्ट करी देट इज़ एक्सेप्टेंस बट वेन आई मेड इट दैट वॉज इन ऑफ़र इट वॉज ऑन बी कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता था और डिनाई भी कर सकता था ठीक है तो द डेफिनेशन ऑफ एन ऑफर एंड इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स अगर हम इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर एन ऑफर हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और ऑफ़र हमेशा किसी सेकंड पार्टी को आ, मतलब दिया जाता है और जो एक्सेप्टेंस की पावर होती है वो ऑफरी के पास होती है मतलब जिसको आ, जो प्रपोज़ल है वो दिया गया होता है मतलब जिनके लिए वो प्रपोजल लाया गया होता है और थर्ड अगर हम बात करें तो जो ऑफर होता है दैट इज विलिंग टू बी बाउंड बाय एन एक्सेप्टेंस जब भी भी ऑफर इज मेड बाय द ऑफर इट हैज़ टू बी और इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय दी अदर पार्टी बाय वे ऑफ एक्सेप्टेंस एंड दैट एक्सेप्टेंस आफ्टरवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट तो द इंटायर प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट बिगिनस with the proposal or an offer made by one party to another. okay, uh, the proposal must be accepted to enter into an agreement. So, uh, there are different types of offers. Uh, first is express, uh, expressed offer, second being implied offer. थर्ड इज़ जनरल ऑफ़र एंड फोर्थ इज़ स्पेसिफिक ऑफर एक्सप्रेस ऑफर बाय द नेम इट्स सेल्फ कि इट इज़ एन ऑफ़र जो कि बाई वर्ड्स या फिर बोल के या फिर लिखित में दिया गया हो दैट इज़ एंड एक्सप्रेस ऑफर जैसे मैंने सी को बो सी से बोला कि विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड तो ये चीज़ मैंने बोल के बताई दैट इज़ एक्सप्रेसड ऑफर सेकेंड बात करें तो दैट इज़ एन एम्प्लाइड ऑफर विच बाय द नेम इट सेल्फ एन ऑफ़र मे बी डिराइव फ्रॉम द एक्शंस और सरकमस्टांसेस ऑफ द पार्टी और थर्ड वन इज़ जनरल ऑफ़र जनरल ऑफ़र किसी स्पेसिफिक पार्टी को uh, नहीं दिया जाता दैट इज़ फॉर द पब्लिक जैसे हम देखते हैं ना कि अगर कोई खो जाता है तो uh, उसके घर वाले कुछ भी ऐसा ऐड वगैरह या ऑफ़र वगैरह निकालते हैं कि जिसने भी uh, मेरे बच्चे को ढूंढ दिया या फिर uh, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ तो उसको मैं uh, फिफ्टी थाउजेंड का इनाम दूंगा या फिर जैसे तो वो ऑफर कर रहा है कोई भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है ओके एंड द लास्ट वन इज़ स्पेसिफिक ऑफर अब इन द स्पेसिफिक ऑफर इट इज़ मेड टू ओनली अ पर्सन जैसे अभी जनरल ऑफर में हमने देखा कि इट इज़ मेड टू अ लार्जर पब्लिक लेकिन स्पेसिफिक ऑफ़र एज पर द नेम इट्स नेम सजेस्ट He, it is made to a specific person. A makes an offer to B to sell his car or house or um, XYZ anything. He is not making that offer to C or D or for that matter anyone else. He is just making that offer for B. So that is a specific offer. Okay. Uh so uh वैसे तो इतना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं बट अगर हम डिफरेंस की बात करें जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफ़र में तो जनरल ऑफ़र जनरल पब्लिक को दिया जाता है होल वर्ल्ड को भी दे सकते हैं और जनरल ऑफ़र कैन बी कंसिडर्ड बाय एनी पर्सन इन द वर्ल्ड बट इन अ स्पेसिफिक ऑफ़र इट इज़ मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन

बट नॉट आफ्टरवर्ड्स जो भी एक्सेप्टेंस है वो आ, जो भी रिवोकेशन है वो एक्सेप्टेंस से पहले ही होनी चाहिए कि ऑफ़र रिवोक कर दिया या कुछ ऐसा अगर उसके बाद होती है कि एक्सेप्ट हो गया एंड उसके बाद यू आर रिवोकिंग इट तो वो रिवोकेशन वैलिड नहीं होती एज़ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओके ना एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन जैसे कि जैसे कि हमने बात करी थी एक्सेप्टेंस की अभी तो एक्सेप्टेंस uh, क्या होता है ये चीज़ डिफाइन करी गई है सेक्शन टू बी में जहाँ पे ये लिखा गया है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू The offer is said to be accepted. Thus, the proposal, when accepted, becomes a promise. An offer uh, can be revoked before it is accepted. jaise humne revocation में भी बात करी. to uh, तो, जो acceptance है, जब आप कोई भी चीज को, जैसे आपने कोई भी चीज बेचने का offer किया कि you want to sell your car or house. तो there will be uh, some other party. जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी आफ्टर नेगोशिएशंस और एनी थिंग तो अगर वो सामने से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है अब इसमें भी स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि यू हैव टू स्पेसिफाई और यू हैव टू स्पेसिफिकली एक्सेप्टेड थ्रू मेल और यू हैव टू एक्सेप्टेड बिफोर डेट पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है तो बाय दैट डेट और by दैट मीडियम ओनली यू हैव टू एक्सेप्ट दैट और अदरवाइज इट इज नॉट considered एज एक्सेप्टेंस ओके एंड एवरी टाइम द एक्सेप्टेंस इज टू बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी एज वेल until एंड unless आप किसी भी आ, चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उस पार्टी को बता नहीं रहे जैसे मैंने आपको घर सेल करने का बोला और आपने मुझे उस चीज़ का जवाब ही नहीं दिया अब मैंने किसी और को एक ऑफ़र कर दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस तो सम पार्टी डी अप्रोच मी एंड दे से वी वॉन्ट टू बाई द हाउस नाउ यू यू कॉन्ट कम एंड से मैंने एक्सेप्ट कर लिया था एंड दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग क्योंकि आपने उस चीज़ का एक्सेप्टेंस ही सामने वाले को नहीं दिया जो मतलब जो ऑफर कर रहा था आपने उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं दिया आपने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करा दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मोड ऑफ एक्सेप्टेंस आप एक्सप्रेसली आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है कि आप रिटर्न या ओरल uh, में एक्सेप्ट कर लो जैसे ए ऑफर करता है टू सेल हिज कार टू बी ओवर एन ईमेल बट बी रिस्पॉन्ड करता है ऑन फोन कि हाँ मैं बाय करना चाहता हूँ ही इज नॉट ही हैज़ नॉट रिवर्टेड बैक ऑन द ई मेल तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी कि इट इज़ एक्सेप्टेड इम्प्लाइड uh, की अगर हम बात करें तो इफ़ द एक्सेप्टेंस इज शोन बाय द कंडक्ट इट इज इट दस बिकम्स एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस और कंडीशनल uh, एक्सेप्टेंस uh, की बात करें तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑल्सो रेफर टू एज एन एलिजिबल एक्सेप्टेंस तो याद रखना कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एलिजिबल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं ये तब होता है जब एक पर्सन टू होम एन ऑफर हैज़ बीन मेड टेल्स द ऑफर दैट ही और शी इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट दी ऑफ़र प्रोवाइडेड दैट सर्टेन चेंजेस आर मेड टू दी कंडीशन ऑफ़ द ऑफ़र तो मतलब जैसे मैंने आप मैंने किसी बी को बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर ट्वेंटी लैक्स तो अब उस पर जो नेगोसिएशन वाली चीज़ आ गई कि ही इज़ नॉट विलिंग टू बाई बाई दाउज फॉर द फॉर ट्वेंटी लैक्स एंड ही इज़ जस्ट विलिंग टू बाई इट फॉर सेक्सटीन लैक्स तो दिस दिस इज़ दैगोसिएशन राउंड एंड जो भी नेगोसिएशन हो गई वो तो सामने वाला भी जो ऑफरी है वो भी uh, मतलब अपने कंडीशंस रख रह रहा है तो दैट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस कि आपने ये सारी कंडीशंस uh, रखी एंड देन दोज आर फुलफिल्ड फिर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्रॉस ऑफिस इज नथिंग बट जब ए बी को बोलता है कि आई वांट टू सेल द हाउस और बी एट द सेम टाइम उसको uh, मतलब मेल कर देता है या बाय जैसे जिस भी मींस के थ्रू तो वो उसको भी आ, बोल देता है कि आई वॉन्ट टू बाई अ हाउस तो इसमें ये नहीं माना जाएगा कि आ, जैसे ए ने भी उसी टाइम पे आपको आ, मेल करा या फिर कुछ करा कि आपको पेपर रिटर्न फॉर्म में भेजा कि आई वॉन्ट टू सेल माई होम टू यू और आपने भी बोल दिया कि आई वॉन्ट टू बाई द हाउस तो आंटल एंडस किसी एक पे जब ऑफरी ऑफरर जो आ, ऑफ़र जो ऑफ़र मेक कर रहा है अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो वहाँ पे तो वो चीज़ ये नहीं मानी जाएगी कि आपका जो क्रॉस uh, ऑफर आया था टू बाय द हाउस तो वो चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा आपको जो ऑफर ने ऑफ़र किया है उस पर आपको एक्सेप्टेंस थ्रू uh, जिस भी मीडियम से उसने बोला होगा आपको उसी मीडियम पर एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा कंसिडरेशन एंड एक्सेप्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि कंसिडरेशन वगैरह लेते हैं लोग तो उसके बाद जैसे वो जो था कंडीशनल वाला कंडीशनल एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसा ही होता है कि आप कंडिशन रख रहे हो सब कुछ हुआ उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो चीज़ भी कम्युनिकेट की जाती है कंक्लूड करें तो आ, सम सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इजी हैं ऑफ़र जब मेक होता है तो वो ऑफरर होता है जो आ, मतलब ऑफ़र करता है और जो एक्सेप्ट करता है वो ऑफ मतलब जिसके लिए किया जाता है वो ऑफरी होता है बाकी एक्सेप्टेंस इज़ नथिंग बट जब भी जो ऑफर होता है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो दैट इज़ एक्सेप्टेंस और उसको आपको कम्युनिकेट करना होता है टू दी पार्टी मेकिंग ऑफ़र दैट्स इट Thank you. Uh, so, any more questions? Uh, you can uh, get in touch with me on uh, my email ID, and my LinkedIn is also uh, written here. Thank you.